तो अभी जाइए मृत भुवन, एक पंछी ने मतलब बच्चा को जन्म दिया है एक वृक्ष पर, उससे जाके पूछे कि शिव गुरु शिव चर्चा क्या होता है, शिव जी के बारे में क्या जानते हैं। वही कहा कि वहाँ से नारद जी छोटा रूप में बना करके और जब वृक्ष पर पहुँचते हैं तो उस बच्चा को कान में जाके धीरे से पूछते हैं कि शिव चर्चा क्या है, शिव गुरु के क्या जानते हैं। उस पंछी का बेचारा के मुक्ति हो गया। वहाँ से नारद जी घबरा करके गए कि बोले शंकर जी के, प्रभु ये आपने क्या करा दिए, आपने हमको से तो पूछे थे कि भाई उनको जाकर के पूछिए कि शिव चर्चा क्या है, शिव गुरु के बारे में क्या जानते हैं। उसका मुक्ति हो गया। बोले कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ दिनों समय बीता, उसके बाद में फिर शंकर जी बोले नारद जी के कि नारद जी एक मुसहर घर में ने एक सुअर ने बच्चा को जन्म दिया है, उससे जाके पूछे कि शिव चर्चा के बारे में क्या जानते हैं, शिव जी के शिव चर्चा क्या होता है, शिव जी के बारे में क्या जानते हैं। वही जाकर के मतलब सुअर के बच्चा के कान में धीरे से पूछता है तो उसका भी मुक्ति हो गया। फिर नारद जी घबरा करके गए, बोले कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, हम जब भी आपको कुछ ऐसा मतलब बढ़िया बात पूछने के लिए जा रहे हैं तो हाँ जो है उसका मुक्ति हो जा रहा है। समय बीतते गया, उसके बाद में कुछ मतलब बहुत दिनों से एक राजा के घर में कोई संतान नहीं था। वही राजा ने संतान के जब उनका घर में एक संतान का जन्म हुआ, बच्चा का जन्म हुआ, तब भोलेनाथ जी बोले के नारद जी अभी अभी एक राजा घर में एक बच्चा को जन्म हुआ है, उसको जाकर के पूछिए कि शिव चर्चा क्या होता है, शिव जी के बारे में क्या जानते हैं। नारद जी बोले कि माफ किए प्रभु, दूगो के पास में हम गए हैं जे तो उसका मुक्ति हो गया है, आई बता रहे हैं कि 12 बरस से उसका घर में कोई संतान नहीं था, एक संतान होबो किया है, कहीं उसको भी कुछ हो जाएगा तो हमको बच्चे नहीं देगा। बोले कि कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, आप जा करके तो देखिए। वही नारद जी है जो साधु के रूप में उनके मतलब यहाँ से बन करके गए और राजा के घर में जैसे पधारे हैं तो राजा ने कहे क्या ये प्रभु आइए, अब मतलब हम सौभाग्य की बात है कि हमारे घर में कम से कम एक आप महात्मा जी पधार गए हैं, जैसे ही नन्हा बच्चा का जन्म हुआ है कि आपका आगमन हो गया। वही राजा ने नारद जी ने बोले कि राजा साहब जो हमको आपका घर में जो बच्चा का जन्म हुआ है उस बच्चा से हमको कुछ बात करना है। तो राजा ने बोले कि जब हम लोग बात मतलब 2 साल 1 साल भर हो जाता है तभी वो बच्चा लोग निमन से नहीं बोल पाता है, अब आपसे अभी जन्म लिया है बच्चा, वो आपसे क्या बात करेगा। तब बोला रब बोले नारद जी बोले कि जा करके तो उनको ला करके तो देखिए, हम ना बात करेंगे क्या बात करेंगे। राजा जी घबरा कर बोले कि कहीं हो सकता है कि साधु महात्मा की बात ना माने, तब एक तो इतना दिन के बाद हमारा घर में संतान हुआ है, फिर कोई तरह की दिक्कत कहीं हो जाए। वही राजा ने अपने घर से मतलब बच्चा को मंगवाए और नारद जी ने मतलब उनका जो कान में धीरे से पूछते हैं कि शिव चर्चा क्या होता है, शिव जी के बारे में क्या जानते हैं। तो ही बच्चा ने बताता है कि जिस समय यहाँ पर वृक्ष में पर पूछने के लिए गए थे उसमें पंछी के रूप में हम ही जन्म लिए थे, वहाँ से जैसे ही आप शिव जी के बारे में हमारे कान में मतलब आवाज़ दिए कि हाँ सर मेरा मतलब चोला बदल गया, मुक्ति हो गया, कर्म के अनुकूल बदलता गया, फिर जिस समय मतलब कि एक मुसहर घर में हम सुअर के बच्चा के रूप में जन्म लिए वहाँ भी आपने पूछे तो देखिए मेरा मुक्ति हो गया, समय के बदलते गया देखिए आप हमारे राजा के यहाँ मेरा घर में जन्म हुआ है। वही भोलेनाथ जी बोले नारद जी बोले कि धन है प्रभु आपको लीला, आपका लीला महिमा अपार है, आपके ही मतलब गुणगान से इतना मतलब इसका वजह चोला बदलते हुए मतलब मनुष्य तन में जन्म लिया है। एक बार बोले हर हर महादेव की जय। मिलिट्री में उनको माँ ने गछी हुई थी कि जब हमारा बेटा हुआ से मतलब पहला जॉब कर करके वापस लौटेगा तो आपको हम आपको हम शिव चर्चा करवाएंगे। वही कहा किए हेलो वही कहा किए कि जब हुआ से वापस आते हैं सिपाही जी तो उनको माने हैं जो शिव चर्चा कराने के लिए प्रारंभ कर दिए। जब शिव चर्चा कराने लगे तो भाई तब पंडित जी के बुलाहटा हुआ,
दोस्त को अपना सिपाही जी बोलाए कि भाई चलिए हमारे घर में सिर्फ चर्चा हो रहा है। तो पंडित जी बोले कि देखिए हम पूजा जाट के पंडित जी हैं लेकिन हम पूजा पाठ से बहुत दूर रहते हैं जे। तो बोले कि नहीं जे तो हमारे के यहाँ ठीक है तो नहीं जाइए तो हमारे दोस्ती आपके से टूट जाएगा। ठीक है तो तैयार ठीक है।